जो हमारे देश का भविष्य युवा है, क्या वो हमारी सरकार के बारे में जानकारी रखते हैं नहीं रखते, इनसे पूछते हैं। क्या बोलते हैं आप सभी लोग, कौन सी सरकार आई? तो आज हम आए हैं मुंबई के दिल में और जानने सरकार के बारे में, जो आज उमड़ उमड़ के आप भीड़ देख रहे हैं नरीमन पॉइंट पे, सब अपना संडे मनाने के लिए आए हैं। तो हमें भी बहुत सारी पब्लिक मिल गई है यहाँ पे, राय जानने का मौका मिला है सरकार के बारे में। और ये चौकीदार चोर और पप्पू, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सम्मान मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। तो इस बारे में भी हम लोगों की राय जानेंगे कि वो लोग भी चौकीदार चोर और पप्पू बोलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, लोगों की राय जानते हैं, अटल जी के पास चलते हैं और पूछते हैं कि कौन सी सरकार आएगी इस साल। बेचारे बड़े थके हारे से बैठे हैं। अंकल जी बताओगे, मोदी जी से खुश हैं क्या? बीजेपी सरकार से खुश हैं? हाँ हाँ खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। कांग्रेस नहीं चाहिए आपको? नहीं बीजेपी चाहिए, काम किया है ना 70 साल में। कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने 5 साल में बहुत कुछ किया। मुझे बताओ मोदी सरकार से खुश हो या नहीं? तो बड़ी दुकान नहीं खोलनी आपको? बिल्कुल अरे नहीं खोलना है, लाइसेंस फॉर्म भर के अभी तक फॉर्म नहीं मिला है। क्या कंधे पे लेके घूमते रहना हमेशा? हाँ वैसे ही वही काम ही है घूमने का यार, कुछ दुकान नहीं खोलनी है? अरे मैडम जी मैं बोल रहा हूँ लाइसेंस भर के मेरे को कुछ मतलब नहीं है। 100 रुपए का फॉर्म लिया 5 साल पहले, अभी तक भरा फॉर्म का पता नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे मोदी सरकार? वैसे कमल पे स्टैम्प लगा दिया हूँ। क्या बोलना चाहेंगे, कौन सी सरकार आएगी? मोदी सरकार, मोदी सरकार। आप लोग क्या बोलोगे? मोदी सरकार। हमारे यूथ से जानिए कौन सी सरकार आएगी इस साल। हाँ क्या पूछना चाहते हैं? कौन सी सरकार आएगी? अरे बीजेपी जीत रहा है मैडम। बीजेपी जीत रहा है? पक्का वोट डाले? अरे वोट कहाँ से डाले, हम बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पर हैं अभी। तो बिहार में वोट डाले नहीं गए? कहाँ से तो अधिकार है ना। देखिए सरकार को फैसिलिटी करना चाहिए ना, अभी डिजिटल इंडिया बन गया है, जहाँ पर हो हुएं से वोट डाल दो, अपने फोन से चाहे किसी से भी। तो अब बताइए कि वो वोट डालने के लिए अगर हम जाएंगे यहाँ से निकाल दिया। मोदी जी को बोले डिजिटल इंडिया किया है, अभी वोट डालने की भी फैसिलिटी करते हैं। वही ना बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मोदी जी व्यवस्था हम लोग का भी कीजिए, ठीक ना। हाँ हम लोग जहाँ भी हैं ना, कि जैसे आर्म फोर्सेस जो है हमारे जो हैं उनको एक सुविधा है कि जो वो पोस्टल बैलेट में वो स्टाम्प करके वो पोस्ट कर सकते हैं अपने वोट को। तो ऐसे कि जो प्रवासी लोग जो बाहर काम करते हैं उनको ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि वो अपना वोट डाल सके कम से कम। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो लोग अपने बनाते सिंपल सा उस सिक्योर कर दे उस एप्लीकेशन को, आप उसको इंस्टॉल कर ले अपने मोबाइल पर। आज कैसे आप सब कुछ तो करिए रहे, मोबाइल से फोन कर सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं? अपना आईडी आधार कार्ड ऐड कर लीजिए, आधार कार्ड के थ्रू अपना वोट डाल लीजिए। एक ये भी मुद्दा उठाया जा रहा है, जो लोग अपने शहर से गाँव से बाहर है वो लोग तो वोट ही नहीं डाल पा रहे हैं। मोदी जी तक ये बात भी पहुँचाना चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया किया है तो इतनी फैसिलिटी भी करें कि किसी भी जगह पे रह के कहीं भी रहकर वो वोट दे सके, अपना अधिकार पूरा कर सके। वोट डाला है आप? कौन सी सरकार आएगी? मोदी सरकार। पक्का? पक्का मोदी सरकार। यहाँ पर कुछ ड्राइवर देखने के लिए मिल रहे हैं स्लीपिंग मोड में, और जानते क्या जोश है इनके अंदर हमारी सरकार को लेके। सर आप बड़े नींद में थके हारे नजर आ रहे हैं, क्या बोलेंगे, कौन सी सरकार आएगी इस साल? बीजेपी सरकार आएगी। पक्का बीजेपी? बीजेपी से खुश हैं आप? हाँ खुश हैं हम। कांग्रेस नहीं चाहिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम बीजेपी से खुश हैं तो बीजेपी का समर्थन करते हैं। तो आपने वोट डाला इस साल? जी। कोई नहीं आएगा? पक्का मोदी जी आएंगे? पक्का पक्का 1%। वोट डाला है आपने? बिल्कुल डाला है। मोदी जी से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। काम अच्छे किए उन्होंने? बहुत अच्छा काम किया है। मुंबई की जितनी भी महिलाएं हैं वो अपनी सेफ्टी को लेके, वैसे तो मुंबई लड़कियों के लिए गर्ल्स के लिए बहुत सेफ सिटी माना जाता है, तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि जिस तरह से लोगों के ओपिनियंस है कि मुंबई बहुत सेफ सिटी है, क्या यहाँ की महिलाएं भी इस बात से सहमत हैं या नहीं? मुंबई में कहा जाता है कि महिलाएं बहुत सेफ है, तो और बहुत लोगों के ओपिनियंस भी है कि मुंबई सेफ सिटी है लड़कियों के लिए, तो आप क्या सहमत है इस बात से? यस। और सरकार के बारे में क्या बोलेंगी, कौन सी सरकार आएगी? मोदी। मोदी जी से खुश हैं आप? यस। वो डाला आपने? यस। और मोदी जी ने तो नोटबंदी भी की है और बहुत सारे काम ऐसे कर दिए जिससे लोग बड़ी नाराज़गी दिखाते हैं, इस बारे में क्या? खुश है। आप खुश हैं? आप बताइए ना, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग बड़ा बोलते हैं कि मुंबई बहुत सेफ सिटी है महिलाओं के लिए, तो आप क्या सहमत है इस बात से? सेफ सिटी है हाँ। और सरकार के बारे में क्या बोलेंगे, कौन सी सरकार है? मोदी। और आप? सरकार मोदी सरकार। आप लोग क्या बोलोगे, कौन सी सरकार आएगी इस साल? भाजपा। बीजेपी? बीजेपी। मोदी जी पसंद है आपको? अच्छा काम करते हैं? अच्छा। तो हम किसी भी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे जनता की राय जानने आए हैं कि वो हमारी सरकार के बारे में क्या बोलती है और
हम नरीमन पॉइंट पे आए हैं जहाँ पर ऑल ओवर मुंबई से लोग घूमने के लिए आते हैं, बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं। तो जैसे कि संडे है तो अच्छा अच्छा खासा यहाँ पे क्राउड और भीड़ देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की सरकार के बारे में। मोदी जी से खुश हैं आप? एकदम खुश है। मैम आप खुश हैं? यस। तो क्या लगता है इस साल मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, लेकिन बहुत सारी बातें मोदी जी की ऐसी हैं कि नोटबंदी, 15 लाख, काला धन, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है और 10 साल के बाद होना ही चाहिए। तो कड़वा घूट पीना जरूरी है? कड़वा घूट नहीं, हाँ। तभी बीमारी अच्छी होगी। कांग्रेस? कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों? कांग्रेस अच्छा है। क्यों अच्छा है? अच्छा बोलो तो सुविधा है, सुविधा वगैरह जो कांग्रेस में दम है ना, उतना बीजेपी में दम नहीं है। बीजेपी ने क्या कर दिया? ऐसा दम नहीं दिखाया इस साल? दम नहीं दिखाया, काम खुश हो गई। हाँ जी। अच्छा आप बताइए। बीजेपी बीजेपी 101% बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ है, बाकी क्या है, इधर कुछ नहीं है, कांग्रेस वाले सब छोड़ लोगे। बीजेपी। बीजेपी से खुश हैं आप? लेकिन नोटबंदी कर दी, 15 लाख नहीं आया अकाउंट में, सब चलेगा, हम खुश है सब। 15 लाख नहीं चाहिए क्या? कुछ बहुत चाहिए, 15 लाख भी नहीं चाहिए, मोदी कर दिया बहुत। मोदी चाहिए, मोदी जी पे विश्वास है? विश्वास है। आप बताइए आपको क्यों नहीं है मोदी जी पे विश्वास? उन्होंने अपना ये नोटबंदी किया और जो अपना GST लगाया वो लगाया, इनसे आम आदमी दुखी है उनसे। नौकरी करने वाले का GST लग गया? जो नोटबंदी हुआ उसमें जो VIP लोग हैं वो तो लाइन में खड़े नहीं रहे, और जो मरा वो आम आदमी, गरीब लोग मरा। उठाने वाले नहीं है, BJP आएगी बस, मोदी जी में दम है स्टेप लेने के लिए। आप बताइए, हमारे देश के युवा से पूछते हैं हम, कौन सी सरकार आएगी इस साल? मोदी। नमो पक्का मोदी जी? नमो मोदी आएगा डेफिनेटली, क्योंकि उसकी जो प्रोजेक्ट और उनका वर्किंग शेड्यूल है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मोदी जैसा कोई इसके कंपेयर में है ही नहीं। राहुल गांधी तो हम बोल ही नहीं सकते कि मोदी के कंपेयर में आ सकता है, इसलिए मोदी आएगा। लेकिन मोदी जी को भी तो बोलते हैं चौकीदार चोर है। चौकीदार है तो देश की सुरक्षा करता है, खड़े रह के तो वो चौकीदार ही कहलाता है ना। उन्होंने तो सबको चौकीदार बना दिया है, क्या बोलना चाहिए? चौकीदार सही है, सब चौकीदार है, सब चौकीदार है। लेकिन वो तो बोलते हैं पकौड़े बेच के भी बिजनेस करो, चलेगा ना उसमें? क्या खाने के लिए कुछ धंधा है, कोई भी धंधा कर सकता है। आप क्या बोलेंगे इस बात पे, चौकीदार चोर है? चोर का तो हम नहीं बोल रहे, बाकी ये सब गलत है, अपने आप हिसाब से बोलते हैं, काम चौकीदार जैसा नहीं है, चौकीदार जैसा नहीं। लेकिन अभी राहुल गांधी जी के बोलते हैं पप्पू है, तो क्या वो पप्पू है? नहीं, पप्पू ऐसा कोई नहीं है, वो तो अपने अपने हिसाब से कोई भी बोल सकता है, बाकी ठीक है उनके हिसाब से, अपने हिसाब से अपने, वो भी उसकी जगह सही है। आप क्या बोलेंगे, कौन सी सरकार आएगी? सरकार की बात छोड़िए, पहले तो महाशय जी लोग हैं, नमस्ते इन लोगों को बोल रहा हूँ। पार्टी विशेष सबसे बड़ी बात है, अगर घर में एक परिवार है तो दादा का भी रोल होता है, चाचा का भी होता है, सब गार्जियन का होता है। तो मोदी आएगा मोदी जाएगा ये कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी आएगा कोई मतलब नहीं है, जो हमारे सांसद हैं वो चुने हम। अच्छा आप क्यों बोले मोदी आएगा? आप क्यों डायरेक्ट वो कंट्रेडिक्ट कर रहे हैं कि राहुल आएगा मोदी आएगा? पहले सोचना चाहिए, बैक सपोर्ट की बात नहीं, सुनो ना भाई। पहली बात है कि अगर हमारे घर में दादा हैं, परिवार दादा चलाते हैं, लेकिन चाचा हमारा रोल, बड़े ताऊ जी का सबका रोल रहता है ना कि नहीं रहता है? कमाता कोई है, कुछ करता है, गाइडेंस कोई करता है। तो ये सबसे बड़ी बात है ना, जो यूथ में है वो यहाँ से थोड़ा लो हो गया है, ये मोदी आएंगे वो जाएंगे। अगर इस मान लीजिए मेरा संसदीय क्षेत्र कुछ भी है वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अगर जो सांसद हम चुनेंगे अच्छा रहेगा वो अच्छा काम करेगा, बाकी कोई 60 साल बोले, फिर कोई 10 साल बोले, फिर ये आए फिर वो आए, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी पार्टी आए लेकिन काम करें। कहने का मतलब पर्टिकुलर एरियाज को लेके बोलते हैं, एक अच्छा सांसद चुने, हमारे एरिया को डेवलप करें और अच्छे से बनाए। मोदी जी तो बस देश के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी के पार्ट। मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी जी नहीं, जो उस कुर्सी पे बैठेगा वो देश की सेवा करेगा, मेनली ये है। और कौन बैठेगा कौन नहीं ये हम नहीं तय करेंगे, वो सांसद तय करते हैं। होता है रोजगार का, रोजगार हमें मिलना चाहिए, हम यूथ हैं, अगर हम ग्रेजुएशन किए तो हमें रोजगार चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी सरकार आएगी सर? मोदी फिर से वापस आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। उन्होंने जिस तरह से 5 साल काम किया है, आई थिंक लास्ट 40 साल में, 50 साल में भी ये नहीं हुआ है। और जो जो उन्होंने स्कीम्स और रिफॉर्म्स लाए हैं, इनका आने वाले दिनों में ज़रूर फ़ायदा होगा, ये मैं मानता हूँ। और मेरी शुभकामनाएं हैं सरकारी वापस आए। कौन सी सरकार आएगी सर? सर यही कौन सी सरकार आएगी? क्या कुटली गवर्नमेंट कुटली यही? ओ गवर्नमेंट
भाजपा आने वाली है, भाजपा आने वाली है, कांग्रेस नहीं आएगी, भाजपा ही आएगी बिल्कुल। और आपको चाहिए वो भी, वी वांट चेंज। आप यहाँ देख सकते हैं बीजेपी का बोलबाला है, वो तो बीजेपी आएगी। नागपुर से आए हम। आप लोग घूमने आए हैं नरीमन पॉइंट? नहीं नहीं, अभी तो घूमने आए हैं, लेकिन आई एम फ्रॉम बॉम्बे ओनली। लेकिन बॉम्बे में भी यही है, वहीं भी है, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी, कितना किया है उन्होंने। बीजेपी सरकार आएगा, बीजेपी सरकार आएगी तो उन सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो तो बराबर है, दोनों ने मिलके किया तो वही लोग आएंगे और वही लोग कुछ करेंगे। सरकार तो भाजपा ही आएगा, बीजेपी आएगी जी। तो पूरा पक्ष में आप बीजेपी के? जी मैं यहाँ का लोकल रहने वाला नहीं हूँ, मेरा विधानसभा क्षेत्र बीकानेर। हम तो पूरे देश के लिए जो नागरिकों का जो बयान है सरकार के लिए वो ले रहे हैं, वो मोदी आएगा, मोदी मोदी जी ही आएंगे। तो मोदी जी ने जो काम किए अच्छे किए हैं, बस उससे अच्छा बहुत क्या मोदी जी से? मोदी, यस, वी वांट सम चेंज एंड ऑब्वियसली ही इज डूइंग ग्रेट, सो आई थिंक ही विल बी गुड फॉर द फ्यूचर। तो आप चाहते हैं मोदी जी फ्यूचर जनरेशन? या फ्यूचर जनरेशन के लिए मोदी जी बेस्ट है। yes. चौकीदार चोर है ये बात सिर्फ हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम लोगों की राय जान सके, क्या वो इस बात से सहमत हैं? चौकीदार चोर के मुद्दे बहुत विपक्ष पार्टियों से बहुत उठाए जा रहे हैं और हम बार बार फिर ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी सरकार के पक्ष विपक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम आम जनता की सहमति लेने आए हैं कि किस सरकार के पक्ष में वो बात करती हैं और हमारी सरकार से वो खुश है या नहीं है। क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार है सर? बीजेपी। बीजेपी से खुश हैं आप? यस। और क्या कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार के लिए, अभी अगर इस साल आती हैं तो क्या इम्प्रूवमेंट्स करें? यही जो 5 साल से किया हुआ है उससे डबल करेगी वो। तो आप बोल रहे हैं कि उससे डबल करेगी? या yeah. कौन सी सरकार है? सरकार तो मोदी जी आएगी। पक्का? मोदी जी सरकार या बीजेपी सरकार? ओ मोदी जी, बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। ये चौकीदार चोर है क्या, क्या मुद्दा है ये, इस बारे में क्या बोल? वो तो दूसरे पार्टी का ऐसा बोलने का तरीका है। क्यों? नहीं नहीं, बीजेपी को, बीजेपी से डर गए आप? नहीं नहीं नहीं। तो आप इसे डर क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, बीजेपी से मैं ठीक तो दिख रही हूँ ना, डर गए मुझसे? आप बताइए ना, बीजेपी आएगी और कौन सा आएगा? आप बताइए ना, आपके फ्रेंड डरे क्यों? डरने की क्या बात है, प्लीज गलत मत समझिएगा, वो शर्मीले हैं जी। आप बताइए ना, मोदी सरकार आपकी बात? बीजेपी सरकार या मोदी सरकार? मोदी सरकार का ये बीजेपी। खुश है आप बीजेपी से? खुश है बहुत। राहुल गांधी पप्पू क्यों है? पप्पू ऐसा काम ही करते, वो पप्पू रहेंगे ही ना। चौकीदार चोर क्यों है? उनको अभी बात करने का ढंग नहीं, वो किधर भी जाते क्या भाषण देना चाहिए क्या, उनको कुछ ही खुद को नहीं मालूम है उनको मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को क्या बोलना चाहिए ऐसा। तो उनका नाम पप्पू बराबर बैठा हुआ है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास रखा हुआ, पप्पू जैसे है ना वैसे उनका नाम भी है। और बीजेपी तो पप्पू नाम से सहमत है? अभी मेरे को क्या सहमत, मैं तो देखो भाजपा ही हूँ, मेरा तो एक लक्ष्य है मोदी सरकार आना चाहिए। और ये मोदी सरकार चौकीदार चोर क्यों है? अभी देखो ऐसा है, चौकीदार चोर कोई चोर नहीं है, अभी सब चोर 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 सब एक साथ में हो गए हैं, यूपी में भी क्या है सब गठबंधन हो गया, वो सब एक साथ हो गए हैं, तो जो चोर है वो तो सबको चोरी समझेंगे, फिलहाल तो मोदी ही बेस्ट है। क्या बोलेंगे आप? तो बड़े हताश नजर आ रहे हैं सरकार से। सरकार का काम ही नहीं है कुछ, कोई भी काम होता तो है नहीं, मतलब कुछ नहीं किया। किया क्या, खाली देश को चलाने के लिए थोड़ी इम्प्रूवमेंट होता है, और क्या चलाना होता है? अरे युवाओं को नौकरी वोकरी भी तो मिलनी चाहिए, देश के युवाओं का ये भी मुद्दा है कि जॉब चाहिए उनको, कंपनियां होनी चाहिए हमारे देश में, जो भी युवा हैं जो भी अभी पढ़ाई करके अपनी तैयारी करके बैठे हैं अब उन्हें जॉब की और नौकरियों की ज़रूरत है, शांति चाहिए। शांति चाहिए, अभी क्या अशांत है आप? सब अशांति। सर आप क्या बोलेंगे, कौन सी सरकार आएगी सर? हाँ? सरकार कौन सी आनी चाहिए? मोदी की सरकार आना चाहिए। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार? मोदी सरकार और बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार आनी चाहिए। सर मुझे बताइए चौकीदार चोर है क्या? वो तो एक फालतू की अब्बा उड़ा रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी एक ईमानदार प्रधानमंत्री है और काफ़ी अच्छे काम कर रहा है वो देश में हमारे, और इस बार भी उसी की सरकार आना चाहिए। और ये राहुल गांधी जी पप्पू हैं, ये क्या है जी? तो सब ऐसे ही मतलब जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस 70 साल उसने राज किया था, जनता के लिए कुछ नहीं किया, मोदी ने अभी 5 साल में बहुत कुछ किया है, बहुत है, अभी मोदी को और समय देना चाहिए, तो मोदी बहुत कुछ आगे करेगा जनता के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मोदी की सरकार आए इस बार भी। सर आप क्या बोलेंगे? नहीं, बीजेपी के लिए बीजेपी आनी चाहिए। ये चौकीदार चोर क्यों बोला जा रहा है?
नहीं, ये तो खैर कहेंगे, विपक्ष है तो कहेगा निश्चित तौर पर कि वो तो कुछ ना कुछ आम नागरिक नहीं बोलते ये बात। नहीं, आम नागरिक का तो सोचना ही अलग है, वो तो सब जानते हैं कि क्या है सच्चाई। लेकिन आम नागरिक को चौकीदार बना दिया गया है, क्या सहमत है इस बात से? हाँ, चौकीदार तो सबको ही होना चाहिए ना, आपको भी होना चाहिए, मुझे भी यहाँ देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो ठीक है, वो सहमत है, खुश है इस बात। हाँ बिल्कुल। और ये राहुल गांधी जी पप्पू, तो ये इसके बारे में क्या? नहीं, उनका बात करने का तरीका ना वो जो होता है वो बड़ा अजीब है, अगर कांग्रेस में से उनको हटा दो तो मेरे को लगता है वहाँ पर कुछ रह ही नहीं आता है। सरकार के बारे में हमारी? सरकार बढ़िया चल रही है, मोदी जी हैं। मोदी जी बढ़िया चल रहे हैं, दोबारा आने चाहिए? दोबारा आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। वोट डाला आपने? वोट डाला है, मैं उत्तराखंड से हूँ, मोदी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है जी। सर आप बताइए ना, कौन सी सरकार आनी चाहिए इस साल? कौन सी सरकार आनी चाहिए? मोदी बीजेपी सरकार, सहमत है आप? हाँ जी।